अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक विद नूर स्पेशल। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े का छोटा सा व्लॉग लेकर आई हूँ। आई होप कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को बगैर स्किप किए से लास्ट तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर करें। चलें अब आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। मैं एम्पोरियम मॉल आई हुई थी और एम्पोरियम मॉल में इंडिपेंडेंस डे के मौके पर उन्होंने डेकोरेशन भी की हुई थी। और जैसे कि वो हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली वो डेकोरेट भी करते हैं। 14 अगस्त है तो उन्होंने इंडिपेंडेंस के मौके पर ही बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई है। जो लोग लाहौर में नहीं रहते, अदर सिटीज़ में रहते हैं, तो वो घर बैठे मेरा व्लॉग देख कर इंजॉय कर सकते हैं कि किस तरह से एम्पोरियम को डेकोरेट किया गया है और किस तरह से लाहौरिये जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। और जो लाहौर में रहते हैं वो इजीली आएँ और एम्पोरियम में आकर इंजॉय करें, अपने बच्चों के साथ आएँ, फैमिलीज़ के साथ आएँ। इतना अच्छा एम्पोरियम को डेकोरेट किया गया है। इससे रिलेटेड फूड, कपड़े और मूवीज़, डिफरेंट चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की गई हैं। आप आकर इंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ पर बहुत फ़न कर सकते हैं और डिफरेंट आपको पता है कि समर सेल्स भी लगी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ आज़ादी सेल भी जो है वो भी लग चुकी है। हमारी कस्टमर सपोर्ट टीम 24 घंटे कस्टमर की रहनुमाई के लिए मौजूद रहती है। हम मुख्तलिफ एयरलाइंस के साथ मिलकर अपने सार्फिन के लिए मुनासिब वैसे जिस तरह से पहले जश्न आज़ादी मनाया करते थे, इस बार इतना जोश व जज्बा नज़र नहीं आया। अभी तक तो इतना नज़र नहीं आया, आगे चल के देखते हैं, पता नहीं ऐसा कुछ होता है या नहीं। लाहौर में जिस तरह से 14 अगस्त के मौके पर इतना ज़्यादा हजूम हुआ करता था, किस तरह से स्टॉल्स लगाए जाते थे और किस तरह से गहमा गहमी होती थी, वो चीज़ इस बार नज़र नहीं आई। अब जो गवर्नमेंट है उसने इतनी महंगाई कर दी है कि जाहिर सी बात है कि लोग अपनी रोटी पूरी करें या ये शशके पूरे करें। लेकिन एक चीज़ है कि एम्पोरियम आकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इसे बहुत ही खूबसूरत डेकोरेट किया गया है। आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा और आप जश्न आज़ादी किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं।
आज़ादी सेल भी लग चुकी थी और लोग धड़ाधड़ आज़ादी के साथ शॉपिंग कर रहे थे और ब्रांड सेल मिले के नाम पर उनकी जेब और बैग्स खाली कर रहे थे। और इन द सेकंड फ्लोर वहाँ भी बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन की गई थी, काफ़ी खूबसूरत माहौल बनाया हुआ था। I love Pakistan, Pakistan Zindabad। जी तो आप सबने देखा कि किस तरह से एम्पोरियम को इतना अच्छा सजाया हुआ है और एम्पोरियम में जहां उन्होंने इतनी अच्छी डेकोरेशन की हुई है और 14 अगस्त भी है तो उसी के मुताबिक उन्होंने कपड़े भी डिस्प्ले में लगाए हुए हैं। आप जाकर बाय भी कर सकते हैं शलवार कमीज़ फ्रॉक और उसी के मुताबिक उन्होंने मैचिंग शूज़ भी डिस्प्ले में लगाए हुए हैं। और इसी तरह से हर ब्रांड पर आज़ादी सेल भी लग चुकी है और डिफरेंट ब्रांड्स के ऊपर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। साथ साथ आप लोग शॉपिंग भी कर सकते हैं वो भी सेल में। आपको हर तरफ ही ग्रीन और वाइट ड्रेसेस नज़र आएंगे। फैशन जैसे कोई करता है उसी के मुताबिक उन्होंने ड्रेसेस बना दिए हैं तो आप लोग बाय करें और एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ। और एम्पोरियम आए ऐसी जगहों पर आए जहाँ पर बहुत ही खुशी के साथ डेकोरेट करके 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। मैं भी गई थी इस बार के एम्पोरियम में किस तरह से डेकोरेट किया गया है, मैंने तो बहुत ही फ़न किया। आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को इन्जॉय किया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलता रहे। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। टिल देन कीप वॉचिंग कुक विद नूर स्पेशल।